आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 10वां अध्याय वचन 9 से 19। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इसराइली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और अन्य लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूँगा। तू ही आव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर यह देखकर कि हम इसराइलियों से हार गए, अरामी इकट्ठे हुए और हददेजेर ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और वे हददेजेर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इसराइलियों को इकट्ठा किया और यर्दन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा, परंतु अरामी इसराइलियों के सामने से भागे और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इसराइल से हार गए हैं, जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन सबों ने इसराइल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए, इसलिए अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए।